हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ कि हम दर्द साफ़ी के बारे में, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। साफ़ी यूज़ करने का प्रॉपर तरीका आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। कब, कैसे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप साफ़ी सिरप यूज़ करते हैं। साफ़ी सिरप जो है वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 60 या 70 रुपए में इजीली मिल जाएगा और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर आपको ये सब समस्याएं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, ये आपको, इसको लड़कियां भी पी सकते हैं, लड़के भी पी सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे पी सकते हैं। इसको सुबह खाना खाने के बाद आपको पीना चाहिए। और क्या क्या प्रॉब्लम्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पेट दर्द की समस्या है, यानी पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है, पेट में दर्द, ऐंठन, पेट में सूजन हो जाती है, और ये बहुत अच्छा प्यूरीफाई का काम करता है आपकी बॉडी। अगर आपका खून साफ़ नहीं है, खून में कोई विकार संबंधी समस्या है तो ये खून को साफ़ करने में भी हेल्प करता है। अगर आपका बीपी अनइवन रहता है, यानी कंट्रोल में नहीं रहता है, तो भी उसे ये हेल्प करता है, कंट्रोल करता है। बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है साफ़ी, जो मेन है, लड़कियों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, फेस पर पिगमेंटेशन, झाइयाँ, ये सब की प्रॉब्लम रहती है। मींस उनका पेट साफ़ नहीं है, उनका खून साफ़ नहीं है। अगर उनका पेट साफ़ नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उनका, उनके जो ये पेट साफ़ ना होने की वजह उनके चेहरे पर पिम्पल्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको साफ़ी का यूज़ करना है। आपको इसका रिज़ल्ट जो है 21 दिनों में ही देखने को मिलेगा। अगर आप लगातार 21 दिन इसका प्रयोग करते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी स्किन एकदम से ग्लोइंग हो जाएगी, चमकदार चेहरा होगा आपका। बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती है, आपके आगे खाना पड़ा रहता है, आपको खाना अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ भी खा ले, कुछ भी बना ले, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपका वेट लॉस भी होता है और आपको भूख लगेगी। अगर आप ये सिरप पियेंगे तो आपका वज़न भी बढ़ेगा, क्योंकि आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका वज़न भी कम हो गया है। अगर आप ये सिरप पियेंगे, साफ़ी सिरप, तो आपको भूख भी लगेगी और आपका वज़न भी बढ़ेगा। आजकल बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है बालों का झड़ना। बालों का झड़ना ये कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई, हर एज ग्रुप को फेस करनी पड़ती है। ये सब समस्याएं हमारे खून को, खून के कारण होती है, क्योंकि हमारा खून साफ़ नहीं होता है। तो अगर आप ये पियेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको दाद, दाग, खुजली वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो आपका खून जो है वो साफ़ नहीं है, और जो साफ़ी है वो खून को साफ़ करने का ही एक सोर्स है। तो इसीलिए आपको साफ़ी का प्रयोग जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया, या आपके पेट से संबंधित समस्या है, तो आपको उस टाइम पर भी आप साफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। और आप, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो रही है, आप बार बार थकावट फील करते हैं, आलस रहता है आपको, सारा दिन सुस्ती रहती है, तो ये जो सिरप है, साफ़ी सिरप, अगर आप 21 दिन लगातार पीते हैं तो आपको, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, काफ़ी एक्टिव फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे आप। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो है आजकल लड़कियों को, पीरियड्स प्रॉब्लम जो है काफ़ी रहती है, पीरियड्स में पेन होना, पीरियड्स समय पर ना आना, पीरियड्स में, पीरियड्स के दिनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस होना। तो अगर आप साफ़ी पीते हैं तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसके कारण हमारे सिर में दर्द रहता है, सिर दर्द जो है, सिर दर्द होने के कारण हमारी जो है याददाश्त, कह सकते हैं आप उसे, डे बाय डे कम होती जाती है सिर में दर्द रहने के कारण। तो आपको क्या करना है, इस सिरप का यूज़ करना, तो आपको सिर दर्द में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा ये आपको। आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको ज़्यादातर सर्दी जुकाम बुखार लगा ही रहता है, 15 दिन ठीक रहते हैं, 15 दिन फिर आप यही फील करते हैं, बुखार जुकाम, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो आप साफ़ी का प्रयोग जरूर कीजिए। साफ़ी जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी, और आपको इसके नुकसान तो कोई नहीं होंगे, बस आपको क्या करना है, इसका ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो इस चीज़ से दूर रहें, ज़्यादा यूज़ ना करें।
और इससे अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे आपको आपका जो यूरिन प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकती है। तो आप जब भी ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो भी अपना ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको फीवर है, किडनी या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस साफ़ी का प्रयोग करें, और बच्चों को इस साफ़ी वगैरह को देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपको 21 दिन इसे लगातार पीना है तो आपको जो ये सब समस्याएं हैं वो आपकी ठीक होंगी। और आपको कैसे इसे यूज़ करना है, गुनगुना पानी लेना है 1 गिलास और 1 चम्मच साफ़ी का प्रयोग करना है। तो